अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। CRPF रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वो CRPF की ओर से नई भर्ती का नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, 800 मीटर दौड़ के लिए आपको यहाँ पर 4 मिनट का समय भी दिया जाएगा। आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन फिल करना होगा। कब से कब तक यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती में जाना होगा, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना नहीं, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो उस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा, वो CRPF की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से वहाँ पर यह भर्ती चलने वाली है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए होगी, हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन फिल करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोग एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपका हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपका हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, केवल केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जहाँ पर मेल कैंडिडेट का फिजिकल डिटेल होगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, और फीमेल कैंडिडेट की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 100 मीटर दौड़ के लिए 18 सेकंड का समय मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर के लिए 16 सेकंड का आपको यहाँ पर समय भी दिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट कंप्लीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप की डिटेल भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा, SST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगा, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर, और SST कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जिन्हें 18 से कम हो या 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो छूट दी गई है, SST वालों को 5 ईयर की दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं को पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। इस भर्ती को एजुकेशन क्वालिफिकेशन देगा, अगर आपने सबसे पहले 10वीं और 12वीं पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सिंपल 10th पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में बताऊँ, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है।
फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आपके जो पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड भी लाइट कलर का होना अनिवार्य है। इस भर्ती का जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आपको यहाँ डाउनलोड करना होगा। ग्रुप आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपको यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करके ही मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ में होगी 21,000 जवानों की भर्ती, यानी कि जो सीआरपीएफ है उसकी ओर से यहाँ पर शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और आप यहाँ पर ये न्यूज़ भी रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जानकारी इसमें दी गई है और सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी मिलेगी 21,556 वैकेंसी आपको टोटल दी गई है। टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई, जनरल ड्यूटी, हेड कॉन्स्टेबल, ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। यानी कि अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस भर्ती के इंपॉर्टेंट डेट भी आपको हमारी वेबसाइट पर मेंशन की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।